हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शायद आज का लेक्चर विल बी लास्ट लेक्चर ऑफ योर स्टडी स्पेस एनालिसिस। क्वेश्चन है मेरे सामने, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, द करेक्ट सेट ऑफ इक्वेशंस फॉर द गिवन एसएफजी। आपके पास एक एसएफजी बना के दिया है और ये इक्वेशन दिया हुआ है। सबका जो फॉर्मेट है कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे आपके स्टेट वेक्टर्स है, इनपुट मैट्रिक्स है, वेरिएबल्स है, स्टेट वेरिएबल्स, सॉरी ये स्टेट मैट्रिक्स है, इनपुट मैट्रिक्स है और U1 U2 आपके इनपुट्स हैं। ठीक है, सभी का एक जैसा फॉर्मेट है, इतना नहीं लिखा इसलिए शॉर्टकट लिख दिया। ये ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है। समझ में आ गई बात। तो अब हमें बताना है कि कौन सा इक्वेशन इज द करेक्ट सेट है। बराबर इतनी बात। तो अब इसमें कोई अपने को मार्क करके नहीं दिया कि कौन सा x1 है, कौन सा x2 है, कौन सा x3 है। सो हमें क्या है, अपने हिसाब से करना है, क्रॉस चेक करना है, जिसमें आंसर फिट हो जाए, जो इक्वेशन करेक्ट हो जाए वो आंसर करना है। क्या मैं बोल रहा, सर x1 x2 x3 किसे लेना है, इसे लूं या इसे लूं, मुझे तो कुछ नहीं दिया गया है ना। ठीक है, तो 1/s जो है आपको पता ही है, 1/s टर्म जो है उसके पास जितने 1/s टर्म है इतना आपके पास वेरिएबल्स होने हैं। यस और नो डिस्कशन कर चुके हम ऑलरेडी, है ना। सो जितना इंटीग्रेटिंग टर्म है आपके पास उतने वेरिएबल्स है, तो 3 वेरिएबल्स है। तो आपके इक्वेशंस में भी x1 x2 x3 दिया हुआ है। अब सपोज मान लो इसे मैंने मान लिया x1, तो स्वाभाविक सी बात है ये x1 डॉट होने वाला है, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं x2 मान लिया हूँ, मेरे हिसाब से मान रहा हूँ मैं। देखते हैं कि इस एजम्पशन के हिसाब से क्या इक्वेशन है क्या मेरी। ठीक है, चलिए मान लो ये इक्वेशन हो जाती है, मान लो ये मैंने मान लिया। अब तुरंत इक्वेशन लिख के क्रॉस चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, सर x1 डॉट की तुरंत इक्वेशन लिखिएगा, x1 डॉट क्या लिखेंगे, सर दिस इज नथिंग बट u इधर से आया है ना, इधर से क्या आया, माइनस अल्फा x1 आया, इधर से माइनस अल्फा x1 आया ना, इधर से कौन आया, सर दिस इज नथिंग बट द x2, यहां से माइनस बीटा x2 आया, सो माइनस बीटा और ये क्या आया, x2 आया। x3 का तो दूर दूर तक इसमें कोई सवाल नहीं है। तो डायरेक्ट आपका एजम्पशन देख पाओगे आप कि जो x डॉट है उसकी इक्वेशन में माइनस अल्फा माइनस बीटा और जीरो होना चाहिए और इनपुट जो है वो 1 होगा, और चूंकि u1 u2 के फॉर्म में है तो u1 होगा और u2 जीरो होगा। बात समझ में आ गई, दो इनपुट है u1 और u2, इसलिए दो इनपुट लिया, u1 आ रहा है इसमें, u2। अब देख क्रॉस चेक जल्दी से फास्ट, किसमें माइनस अल्फा माइनस बीटा जीरो आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा नहीं आ रहा, इसमें आ रहा माइनस अल्फा माइनस बीटा नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, चारों में नहीं आ रहा है। तो ये एजम्पशन रॉन्ग है मेरा, ये एजम्पशन रॉन्ग है कि x1 ये नहीं होगा, x2 ये नहीं होगा, x3 नहीं होगा। तुरंत कर लिया ना, सिर्फ एक को देखा मैंने, x डॉट को देखा, x डॉट की इक्वेशन बनी माइनस अल्फा माइनस बीटा और जीरो, तो ये किसी में भी नहीं है, ये x1 डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ना इसमें है, ना ये है, ना ये है आपका, ना ये है, तो ये एजम्पशन ही मेरा रॉन्ग है। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ, और चेंज करके मैं क्या करता हूँ, मैं इसको x1 डॉट मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको x2 डॉट मान लिया और इसको x3 डॉट मान लिया सपोज। ठीक है, तो उस केस में अब ये x1 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए फास्ट इक्वेशन लिखते हैं, कोई एक पकड़ लो, सर x1 पकड़ लिया, ठीक है, तो x1 के रिस्पेक्ट में x1 डॉट की इक्वेशन लिखेंगे हम, x1 डॉट की इक्वेशन लिखी जल्दी से, सर u2 आया है यहाँ पे, ठीक है, माइनस गामा x1 आया, माइनस गामा x1 आया और यहाँ से कौन आ रहा, बीटा x3 आ रहा, सो दिस इज नथिंग बट बीटा x3 आ रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यदि x1 डॉट को आप लिखोगे तो क्या बनेगी, वो आपका माइनस गामा, यहाँ से बनेगा बीटा और सॉरी माइनस गामा जीरो और बीटा बनेगा, और इनपुट की यदि बात करेंगे तो 0 1 u1 और u2 ये बनेगा। बात समझ में आ गई, इनपुट क्या बनेगा, 0 1 बनेगा। चलिए फास्ट देखते हैं, माइनस गामा 0 बीटा किसमें है, माइनस गामा 0 बीटा मिल गया यहाँ पे,
माइनस गामा जीरो बीटा मिल चुका है, यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे नहीं, तो आपका किस में है, ये इसमें है, डी करेक्ट आंसर आ गया आपका। अब आप चाहे तो किसी को भी चेक कर सकते हैं, एक्स थ्री को चेक कर सकते हैं, वही आएगा जो यहाँ पे लिखा है। चलिए एक्स थ्री को चेक करते हैं, एक्स थ्री डॉट इज नथिंग बट, चलिए एक्स थ्री क्या है सर, एक्स थ्री है माइनस अल्फा एक्स थ्री, सो माइनस अल्फा यहाँ पे आ गया, एक्स थ्री पे आ गया, ठीक है। माइनस बीटा एक्स वन से आया, सो दिस इज नथिंग बट माइनस बीटा, और ये जीरो, माइनस बीटा जीरो अल्फा, ये रहा बच्चे डी इज द आंसर। कहानी खत्म हो गई यहीं पे, कहानी यहीं खत्म हो गई। तो इतने बड़े क्वेश्चन को एक सिर्फ और सिर्फ इस अजम्पशन बेस पे करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल असाइन करने। अब इसने ऑलरेडी करके नहीं दिया है, हमें करना है, अब हमें करना है, तो जैसे पहले वाला किया तो डर मत जाना कि ऑप्शन आ ही नहीं रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, चेंज करना है और फिर हमें करना है। बात समझ में आ गई है, सारी चीज़ें आपके हाथ में है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, समझ में आ रही बात। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 248 आपका इंतजार कर रहा है, और क्वेश्चन नंबर 248 आपसे बोल रहा है कि प्यारे क्या करना है, सब कुछ दिया हुआ है, इफ यू इज यूनिट स्टेप इनपुट देन इंटरेस्टिंगली ही इज आस्किंग अबाउट स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम इज। देखो गेट में आजकल यही हो रहा है, कॉम्बो क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, स्टेट स्पेस में स्टेडी स्टेट एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट को रिलेट किया है, स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट आप सेकेंड यूनिट में पढ़े थे, कैसे निकालते हैं आपको पता है, स्टेट स्पेस से क्या निकाल पाएंगे, दोनों को मर्ज कर दिया है, और फाइनली ही आज किंग अबाउट द स्टेडी स्टेट एरर, और दो नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अपन इसको। स्टेडी स्टेट एरर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो एरर क्या होती है समझ में आ गया, एरर इज नथिंग बट आपका रेफरेंस इनपुट माइनस आउटपुट, यस और नो, यही होता है ना। आप सर स्टेडी स्टेट एरर की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, दिस इज नथिंग बट एस आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, यही होगा, ठीक है। ये आपका स्टेडी स्टेट एरर होगी या नहीं होगी, तो सर स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए इनपुट चाहिए और आउटपुट चाहिए, तो इनपुट तो है प्यारे बच्चे तेरे पास यूनिट स्टेप इनपुट, आउटपुट चाहिए सर, तो आउटपुट क्या होता है, सी ऑफ एस, सी ऑफ एस सर ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई विद इनपुट, सो दिस इज नथिंग बट योर आउटपुट, तो इनपुट है, आउटपुट निकालना है, नाउ ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए अपने को क्या दे दिया, अपने को दे दिया उन्होंने स्टेट स्पेस मॉडल, तो स्टेट स्पेस मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है ना, तो चले ना अपन करते हैं, है ना। हम क्या करें, हम सर ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लें, उसके बाद आउटपुट निकाल लें, इनपुट आउटपुट डिफरेंस ले लें, स्टेडी स्टेट एरर निकाल लें, बात समझ में आ गई आपको। चलिए तो फिर देखते हैं, सो यहां से आपको निकालना है ट्रांसफर फंक्शन, एस आई माइनस ए बनाइए जल्दी, सो दिस इज जीरो, ये माइनस वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये एस प्लस वन हो जाएगा, ये एस आई माइनस ए लिखा आपके पास, आपको इसका इनवर्स निकाल देना है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट सी एस आई माइनस ए का इनवर्स बी प्लस डी, डी नहीं दिया है तो ये जीरो है आपका, ओके ठीक है इतनी बात। तो चलो फिर आप निकालेंगे इनवर्स, तो ये हो जाएगा एस प्लस वन यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये साइन चेंज के साथ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एस एस प्लस वन प्लस वन, सो दिस इज नथिंग बट द इनवर्स आपका, ठीक है, ये क्या है आपका इनवर्स, आप इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज नथिंग बट एस प्लस वन डिवाइड बाई एस एस प्लस वन प्लस वन, यहाँ पे वन डिवाइड बाई एस एस प्लस वन प्लस वन, ठीक है। चलिए बार बार नहीं लिखना मुझे, इसकी बजाय मैं ए लिख लिया, इसको ए मान लिया, ठीक है, बस इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, बाद में ये ए की वैल्यू में डाल दूंगा, ठीक है, ये आ गया आपका। चलिए तो फिर इसमें सी का मल्टीप्लाई करेंगे, सी क्या है प्यारे बच्चे, वन जीरो है सर, वन जीरो है, ठीक है, ये क्या आया एस प्लस वन बाई ए, वन बाई ए माइनस वन बाई ए और वन बाई ए आया मेरे पास, ठीक है। बी की वैल्यू बोलेंगे सर जीरो और वन आया, जीरो और वन आया, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, ठीक है,
मल्टीप्लाई करिए। चलिए सर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को रिजोल्व कर लेते हैं, जीरो का इसमें जीरो प्लस वन बाई ए, वन बाई ए, ठीक है। नाउ जीरो का इसमें जीरो प्लस वन बाई ए, सो वन बाई ए आया आपके दोनों केस में वैल्यू, नहीं यहाँ पे है आपका वन एंड जीरो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, वन का इसमें होगा और ये जीरो, सो वन बाई ए, वन बाई ए, ठीक है। सो वन बाई ए, ए की वैल्यू क्या थी प्यारे बच्चे, एस प्लस वन प्लस वन, सो दिस इज नथिंग बट वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, दिस इज नथिंग बट योर ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन आया, चलिए ट्रांसफर फंक्शन आया। नाउ यू आर लुकिंग फॉर द आउटपुट या नॉट, सो आउटपुट जो होगा बच्चे वो क्या होगा, आउटपुट होगा सर इनपुट दैट इज समथिंग बट आर ऑफ एस मल्टीप्लाई विद ट्रांसफर फंक्शन। इनपुट कितना है बच्चे, वन बाई एस है, यस यस और नो। ट्रांसफर फंक्शन कितना लेके आए, ट्रांसफर फंक्शन लेके आए एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, सो ये आपका आउटपुट हो गया। नाउ एरर, एरर क्या है, एरर इज नथिंग बट रेफरेंस इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक है। रेफरेंस इनपुट कौन है, यूनिट स्टेप है, माइनस आउटपुट कौन है, वन बाई एस मल्टीप्लाई विथ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन। बात समझ में आती है आपको, समझ में आ रहा है ना, चलिए। तो फिर है ना, ही इज आस्किंग अबाउट स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर इज नथिंग बट लिमिट एस टेंस टू जीरो एस मल्टीप्लाई विद दिस, यहाँ से वन बाई एस कॉमन आ जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन, ठीक है। एस एस गॉट कैंसिल, एस की वैल्यू क्या रखनी है, जीरो रखनी है, सो वन माइनस वन, सो दिस इज नथिंग बट जीरो, सो जीरो इज द आंसर फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। समझ में आ गई बात, सो जीरो इज द आंसर, कितना प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगाया आंसर लेके आए, आ रहे ना मजे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 249 और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम 250 एग्जैक्ट क्वेश्चन के मार्क पर हम पहुंचे इस सब्जेक्ट में, जी सेंट्रिक पे। जितने भी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, इस बात की गारंटी, ठीक है। चलिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 249 और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक, लास्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 249 ओके। क्या पूछ रहा है, इफ यूटी इज यूनिट स्टेप इनपुट, क्या पूछा, यूटी इज यूनिट स्टेप इनपुट, ओके और x1 इनिशियल वैल्यूज मान दे दी उसने 1 और 0, उसने पूछा वैल्यू ऑफ yt, उसने क्या पूछा, वैल्यू ऑफ yt एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज और राउंडेड ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। गेट एग्जामिनेशन में बी अवेयर माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पूछेगा वेरी इंपॉर्टेंट, वही करके आना। वो पूछा 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करो, तो 3 तक लिखना, पूरा नहीं लिखना, अदरवाइज नंबर खो बैठोगे। वेरी क्रूशियल पॉइंट, आप गेट की एग्जामिनेशन दे रहे हो, मजाक मस्ती नहीं कर रहे हो, दिमाग को ओपन रखना पड़ेगा, जो वो पूछ रहा वो लिखना। ये तो 3 डेसिमल पॉइंट्स है, कभी कभार यूनिट्स में भी बोलता है, इन किलोग्राम, इन मीटर, इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो भी ध्यान रखना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सही किया और ये यहाँ पे जो लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग आंसर पुट नहीं किया ना, तो बर्बाद, कहानी बर्बाद, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन पे आते हैं। तो कुल मिला के वाई ऑफ टी निकालना है, तो इसको सोल्व करना है और टी इक्वल टू 1 सेकंड पे उसकी वैल्यू निकालना है राउंडेड ऑफ अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। चलिए तो फिर अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन आपको पता है कि y ऑफ t की जब वैल्यू चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आपको xt की वैल्यू चाहिए सबसे पहले। तो चलिए xt क्या होता है बताइए, xt होता है सर l इनवर्स ऑफ si माइनस a इनवर्स x ऑफ नॉट प्लस l इनवर्स si माइनस a इनवर्स, ठीक है, आपका b, आपका b u of s, ठीक है, ये होता है आपका सॉल्यूशन। तो चलिए हम वन बाय वन, आपको si माइनस a की तो नीड रहने वाली है, तो बना लेते हैं si माइनस a,
दिस इज माइनस वन, ये जीरो, ये एस प्लस टू, ये एस आई माइनस ए है आपके पास, ठीक है। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, इन्वर्स इसका निकालना चाहेंगे आप तो आएगा एस प्लस टू, ये हो जाएगा वन, ये जीरो, ये हो जाएगा एस डिवाइड बाय एस एस प्लस टू, ये हो जाएगा आपका इन्वर्स। इनसाइड कर देंगे आप तो यहाँ पे बचेगा वन अपॉन एस, ये हो जाएगा एस एस प्लस टू, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा क्या, एस एस गोट कैंसल, ये एस प्लस टू हो जाएगा। ये जो है ना ये इन्वर्स है इसका, ठीक है, इन्वर्स निकाल लिया आपने। तो चलिए यहाँ पे मैं रखता हूँ एल इन्वर्स ऑफ, ये हो जाएगा वन बाई एस जीरो, वन अपॉन एस एस प्लस टू, वन अपॉन एस प्लस टू, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ एक्स नॉट, उसकी वैल्यू कितनी है राजा, उसकी वैल्यू है वन जीरो, सो वन जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, वन जीरो से मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है, प्लस एल इनवर्स ऑफ दिस एंटायर थिंग अगेन वन बाई एस जीरो, वन अपॉन एस एस प्लस टू, वन अपॉन एस प्लस टू, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे बच्चे, बी का, है ना। इसको यहां से खत्म करता हूं मैं, अब ठीक है, इसमें b का मल्टीप्लाई कीजिए तो b क्या है प्यारे बच्चे, b है जीरो और ये क्या है, ये वन जीरो, ओके, b क्या है जीरो और वन है आपके पास, जीरो और वन है। u ऑफ s क्या है, यूनिट स्टेप इनपुट है, सो दिस इज नथिंग बट वन बाई s, क्लियर है। चलिए तो फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सो l इनवर्स आउटसाइड है आपका, मल्टीप्लाई कीजिए वन का इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा वन बाई एस, जीरो और ये जीरो, ठीक है, यहाँ से ये आया। नाउ एल इनवर्स ऑफ दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई जीरो में जीरो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एस एस प्लस टू, ठीक है, जीरो का जीरो में, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस टू, वन बाई एस आउटसाइड है तो यहाँ पे ले आइए उसको, उसको यहाँ पे ले आइए आप, ठीक है। ये हो गई आपकी कहानी किसकी, x ऑफ t की, तो l इनवर्स ले लीजिए, वन बाई एस का आपके पास वन, ये हो गया जीरो प्लस, ठीक है, अब इसका l इनवर्स लीजिए जरा, ठीक है, इसका l इनवर्स जब लेंगे तो कहानी क्या आएगी, हम आपको डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिया, उसके बाद इसका इनवर्स लाप्लास लिया, तो आपके पास क्या आया, कुछ ऐसा आया, इन दोनों का ऐड कर देना है, तो इसका इसमें एडिशन, इसका इसमें एडिशन, तो दोनों का एक साथ कर देता हूँ, इसमें जीरो में करेंगे तो एज इट इज़ वन माइनस पॉइंट टू फाइव इज नथिंग बट पॉइंट सेवन फाइव, सो दिस इज नथिंग बट योर फाइनल एक्स ऑफ टी, ठीक है। बट ही इज आस्किंग अबाउट द वाई टी, सो आप क्या करेंगे, वाई टी निकालेंगे, सो वाई टी की इक्वेशन क्या है, वन जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए आपके एक्स टी का, सो दिस इज नथिंग बट वन जीरो, वन जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, तो वन इंटू दिस जीरो इंटू दिस, तो आपके पास अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन बची एज ए आउटपुट, ठीक है, ठीक है, ये आपका आउटपुट हो गया। अब क्या आउटपुट एट वन सेकेंड, सो y ऑफ वन की वैल्यू उसने आपसे पूछी है 0.75 प्लस 0.5 प्लस 0.25 इंटू ई टू द पावर माइनस 2, तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल के लाइए, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 2-3 डेसिमल लिखेंगे, और जो वैल्यू है वो है 1.284, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर आउटपुट। समझ में आता आपको, इजी है ना चीज़ों को करना। अब हमें क्या करना है, हमें लास्ट क्वेश्चन करना है इस कंट्रोल सिस्टम की जर्नी का, ठीक है। चलिए तो फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250 आपके सामने है, वेरी क्रूशियल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी मैट्रिक्स दिस टू फेल इन लाइफ विथ रेफरेंस टू गेट एग्जामिनेशन,
रेफरेंस गेट एग्जामिनेशन को लिया है क्योंकि लाइफ तो कंटिन्यूटी का नाम है, कोई एक एग्जाम में फेल होने से लाइफ फेल नहीं होती। सो लाइफ में फेल होना विद रेफरेंस टू गेट एग्जामिनेशन आपका क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी मैट्रिक्स, तो आइए ऑब्जर्व करते हैं फिर इस चीज को। आपका जो स्टेट वेक्टर है PSU IIT एंड नथिंग है ना, गहरा है ये क्वेश्चन, समझिए और खुद से इस चीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए, और यहां तक यदि बात जाए तो आज से ही सुधर जाना, अदरवाइज देखते हैं रिजल्ट क्या होता है ना। सो दिस इज नथिंग बट नॉलेज 00, 0 डिटर्मिनेशन 0, 00 मस्टी, आपके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं PSU IIT एंड नथिंग, इनपुट जो है वो आपके एफर्ट्स है जो आप लगा रहे हैं, और जो वैल्यूज है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, आपका कमिटमेंट या आपकी लापरवाही। आउटपुट जो है वो रिजल्ट है, सी मैट्रिक्स यहाँ पे है, वेरिएबल्स है PSU IIT और नथिंग, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको लाइफ में फेल होना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये स्टेट इक्वेशन से तो आपको बात समझ में आ गई है कि आपको नथिंग चाहिए, लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, तो जीरो PSU नहीं मिलना है, जीरो IIT नहीं मिलना है। खूब मस्ती कीजिए, कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको, है ना। साथ में एडोंस भी है, इसको नथिंग को करने के लिए एडोंस क्या है, लापरवाही, आपके जो एफर्ट्स है उसमें पूरा लापरवाह रहें तो आपको आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आप मतलब सिर्फ सोच रहे हैं ना, पढ़ाई तो नहीं कर रहे है ना, पढ़ाई करने का सोच रहे, चार दिन कर रहे, पांच दिन कर रहे, छठे दिन फिर वही के वही, ढाक के तीन पांच, मतलब जहां थे वहीं के वहीं, सिर्फ दिमाग में गेट एग्जामिनेशन निकालने के सपने चल रहे हैं, ऑन पेपर ऑन इम्प्लीमेंटेशन सीरियस नहीं हो पा रहे, सीरियस हैं तो फैंटेसी में है ना। आप चाह रहे कि रोजाना में कंसिस्टेंसी रहूंगा, चार दिन कंसिस्टेंसी, पांच दिन चीजें गायब हो जाती हैं, तो ऐसे चलेगा, तो यानी कि आपके एफर्ट्स में फुल ऑफ लापरवाही है, फुल ऑफ लापरवाही है, तो आपका नथिंग आपके पास मिलने वाला है, ठीक है। खैर हालांकि सी मैट्रिक्स की बात पूछी थी, तो बेस्ट पॉसिबल यहाँ पे क्या होगा, टू गेट नथिंग, टू गेट फेल इन लाइफ, लाइफ में फेल होना है मेरे को, तो इस सी मैट्रिक्स में मैं क्या रखूंगा, आपके ऑप्शन है कंसिस्टेंसी 00, 0 कमिटमेंट 0, 00 मस्ती। तो यदि आपको रिजल्ट में फेलियर चाहिए तो आप बेस्ट ऑप्शन है सी रखिए, 00 मस्ती, 0 मल्टीप्लाई विथ PSU 0, 0 मल्टीप्लाई विथ IIT 0, मस्ती मल्टीप्लाई विथ नथिंग, तो यू विल गेट नथिंग। सो आउटपुट इज नथिंग इंटू मस्ती, है ना, नथिंग इंटू मस्ती। सो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है फेल। बात समझ में आ गई, रिजल्ट क्या आएगा, नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा गेट एग्जामिनेशन। बच्चा मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, ये वीडियो देख रहे हैं मतलब प्रिपरेशन ही कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब दिल से ही कर रहे हैं ना, रैंक लाने के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। आपके साथ आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके बहुत सारे भाई बहन लगे हुए हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, सभी अपने अपने स्टेज पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको तो अलग बनना है ना, आपको अपनी लाइफ में एफर्ट्स में कंसिस्टेंसी लेके आना है, कमिटमेंट लेके आना है, नॉलेज लेके आना है, डिटर्मिनेशन लेके आना है। मस्ती कम करिए, लापरवाही खत्म करिए, रिजल्ट यदि PSU चाहिए या IIT चाहिए तो फिर ये वाला सी मैट्रिक्स तो नहीं होना। खैर उसने पूछा था कि क्या होना, तो 00 मस्ती, दिस इज द राइट आंसर। ये यदि होगा, लाइफ में ढेर सारी मस्ती और लापरवाही के साथ एग्जीक्यूशन करोगे अपनी चीजों का, तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सीरियसली आई एम सेइंग टू यू पीपल, दिल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिल से सारी चीजों को करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए। कंसिस्टेंसी आपकी सारी चीजों का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, चीजों को लेके कंसिस्टेंस रहिए, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कंसिस्टेंसी मतलब क्या, कंट्रोल सिस्टम खत्म, डेली 10-15 दिन में कंट्रोल सिस्टम खत्म, उसके बाद रुके नहीं, नेटवर्क खत्म, डिजिटल खत्म, सिग्नल खत्म, ये कंसिस्टेंसी आएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हर चीज का सॉल्यूशन है कंसिस्टेंसी,
आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, आप अपनी मिस्टेक्स पे काम करते जाइए, कंसिस्टेंटली काम करते जाइए, एक दिन होगा मिस्टेक कम होगी। क्वेश्चन नहीं बनते आपसे तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, हर एक टाइप के क्वेश्चन लगाते जाइए, एक दिन आएगा क्वेश्चन बनेंगे आपसे। तो हर चीज का सॉल्यूशन है आपके एफर्ट्स में, कंसिस्टेंसी लेके आइए। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन इसीलिए लिया कि आपके दिल तक बात पहुंचा सकूं कि जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वो बहुत इजी एग्जाम है, मान लिया बात, लेकिन उसके बाद भी उसका फिल्टर ऐसा है कि क्रीम अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। सो यू वांट टू बी क्रीम, फॉरगेट अबाउट लापरवाही, डिलीट द लापरवाही, डिलीट द मस्ती, मस्ती करिए बट लापरवाही आपकी प्रिपरेशन आपके एफर्ट्स में जीरो कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल सिस्टम, आई विश यू गुड लक, दिल से पढ़िए। हम कोशिश कर रहे हैं आपकी अपकमिंग एग्जाम आने से पहले, जो जो आप कमेंट करते हैं, सर ये सब्जेक्ट लाइए, ये सब्जेक्ट लाइए, वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू डिलीवर बेस्ट, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम का लास्ट लेक्चर है टेक्निकली, अभी तो मिसलेनियस में जाऊंगा, लेकिन इस वाले लेक्चर पर भी आपके कमेंट्स चाहिए, आपके लाइक चाहिए। इस जर्नी में आपने जो कुछ सीखा है वो यदि आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक जॉय दिया हो, एक हैप्पीनेस दिया हो, तो लाइक भी बनता है और कमेंट भी बनता है, ठीक है। लास्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके मिसलेनियस टॉपिक के साथ, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम का खेल खत्म और मैं लेके आने वाला हूं आपके सामने, चलिए अगले लेक्चर में ही बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है आपके लिए। बाय बाय।